Now, children, let's move on to chapter number 6, Personality Development. So, everyone wants to be pleasing to others. Sab ye chahte hai ki wo achha, har insaan chahta hai ki wo achha dikhe. For this, having a good personality is most important. Ab iske liye kya chahiye hamein? Ek achhi personality sabko chahiye hoti hai. To, ab achha dikhna chahte hai, to aapko ek achhi personality bhi aapki honi chahiye. Personality is a typical pattern of thoughts. Personality kuch nahi hai, hamare thoughts ka ek pattern hai. Feelings or behavior ka bhi ek pattern hai. That makes a person unique. Jo kya karta hai, kisi bhi person ko unique banata hai. When we say that someone has a good personality, agar hum kisi ko dekhte hain, kisi person ko dekh ke kehte hain ki wah, iski to kitni achhi personality hai. We mean that he or she is a likable, interesting and pleasant to be with. So, ye person kaisa hai? Ye person kaafi zyada interesting hai. Jo person hai, wo kaafi zyada logo ko pasand aata hai. Aur aise insaan ke sath rehna sabko achha lagta hai. To aise person ko hi kaha jata hai ki us person ki personality achhi hai. Here are some useful tips to develop a good personality. अच्छे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं. क्या है वो? रीड देम एंड राइट वेदर यू फॉलो दीज एंड हाउ. तो आपको क्या करना है? रीड करना है इन्हें और बताना है कि क्या आप इन्हें फॉलो करते हैं. पहला है रीड मोर एंड एक्सपांड योर इंटरेस्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए तो आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा रीड करना है, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है. द मोर यू रीड एंड डेवलप न्यू इंटरेस्ट, द मोर इंटरेस्टिंग यू वुड बी टू अदर्स. आप जितना ज्यादा रीड करोगे आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों का इंटरेस्ट भी आप में बढ़ता जाएगा. When you meet new people, जब आप नए लोगों से मिलते हो, it gives you the opportunity to share what you know and to exchange your views to them. तो अगर आप मान लो किसी नए पर्सन से मिलते हो और कोई भी ऐसे टॉपिक पे बात चल रही हो और आपको उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर की तो क्या होगा? आपने उस नए पर्सन के दिमाग में अपने लिए क्या किया? एक घर बना लिया. तो वो पर्सन आपको क्या समझेगा? एक गुड पर्सनालिटी वाला पर्सन समझेगा. तो क्या ऐसा कुछ करते हैं आप? सो व्हाट यू हैव टू राइट? राइट वेदर यू फॉलो दीज एंड हाउ. क्या आप अगर इसे करते हैं तो कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज मीट न्यू पीपल. नए नए लोगों से मिले. सो मेक एफर्ट्स टू मीट न्यू पीपल. एफर्ट्स करें ताकि आप नए लोगों से मिले, स्पेशली दोस्त अनलाइक यू. ऐसे लोगों से मिले जो आपकी तरह नहीं है. इफ इट नॉट ओनली एक्सपोजेस यू टू डिफरेंट कल्चर. इससे क्या होगा, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से तो मिलेंगे ही. एन ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स बट ऑल्सो ब्रॉडन्स योर होराइजन. तो क्या होगा, हमें अगर हम अपने से अलग लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, हम उनके कल्चर्स को सीखते हैं, हम उनके काम करने के तरीके को सीखते हैं. और हो सकता है कि हमारा, हमने सोचा हो कि ये जो एक पर्टिकुलर काम है इसको ए तरीके से ही किया जा सकता है, बट जब आप उस पर्सन से मिले, उस नए पर्सन से मिले, उसने उस काम को बी तरीके से कर दिया, तो आपको कि ओ ये काम तो बी तरीके से भी हो सकता था, तो आपने उस बी तरीके को कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की. तो ये क्या होता है, जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमें उनके अंदर से नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं. तो क्या आप ऐसा करते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं और उनसे नई नई चीजें सीखते हैं? अगर यस, तो आप कैसे करते हैं? नेक्स्ट थर्ड वन इज अपीयरेंस. अ पर्सन इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड थ्रू हिज और हर फिजिकल अपीयरेंस. किसी भी इंसान को जब पहली बार देखा जाता है तो उसको फिजिकली देखा जाता है कि अच्छा ये इंसान कैसा दिख रहा है. तो फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. पीपल आर लाइकली टू जज वन फर्स्ट बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस. लोग जो है दूसरों को सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी बाहर से देख के जज करते हो, ये पर्सन कैसा है. द बेस्ट ड्रेसेस एंड ब्लूम्ड पर्सन यूजुअली इंक्रीज देयर एनर्जी एंड अट्रैक्ट्स द मोस्ट फेवरेबल अटेंशन.
तो अगर आपने बेस्ट अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं, अपने आपको अच्छे से वेल ड्रेस रखा है, अपने आपको ग्रूम्ड रखा है, तो क्या होता है, जो सामने पर्सन आपको देख रहा है वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है बहुत जल्दी। आपकी एनर्जी अगर हाई है तो आप लोगों के अटेंशन को सबसे पहले ग्राब करोगे। तो क्या आप अपने अपीयरेंस को ठीक रखते हैं? अगर रखते हैं तो कैसे रखते हैं? नेक्स्ट फोर्थ वन इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अप टू 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। हमारी जो 93% कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है? नॉन वर्बल मीन्स बिना बोले होती है। बिना बोले हम किसी से भी बात कर सकते हैं। मान लो कहीं पे आप गए इंटरव्यू देने, तो वहां तो आप किसी को भी नहीं जानते और आप क्या करोगे, थोड़ा शाई फील करोगे, ठीक है। लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हैं वो क्या है, आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस आप अपीयरेंस को देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है। आप कहीं पैर तो नहीं ला रहे, आपकी कहीं उंगलियां तो नहीं कांप रही, आप अपने बॉडी को कैसे रख रहे हो, आप कहीं बार बार बाल तो नहीं ठीक कर रहे हो। तो ये क्या है, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मीन्स आपने कुछ बोला नहीं, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के सामने वाला पर्सन आपको जज करने लगेगा। सो 93% जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है, इंक्लूडिंग द टोन ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस की क्या टोन है, आप कितनी तेज बोलते हो या कितने धीरे बोलते हो, तो ये भी आपके क्या आएगा, एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। आई मूवमेंट, आप अपनी आईज को कैसे मूव कर रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर कैसे, आप सीधे बैठे हो या झुक के बैठे हो या कैसे चल रहे हो। हैंड जेस्चर, आपका हैंड आपने कैसे रखा है, कैसे यूज कर रहे हो अपने हैंड को। फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये सारी जो चीजें चिल्ड्रन यहाँ पे मेंशन है, यहाँ टोन ऑफ वॉइस से लेके फेशियल एक्सप्रेशन तक, ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ड्रॉज इंटरेस्ट। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव है, तो लोगों का इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ जाता है। एंथुसियाज्म एंड अदर पॉजिटिव रिएक्शंस फ्रॉम अदर्स। तो क्या होता है, लोग एंथुसियास्ट फील करते हैं और जो दूसरों का जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ जाता है। तो क्या एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आप यूज करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे, यू हैव टू राइट हियर। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कीप स्माइलिंग। व्हेन यू ऑलवेज स्माइल, पीपल लुक एट यू एज अ पॉजिटिव पर्सन। जब आप हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है तो लोग आपको क्या सोचते हैं, एक पॉजिटिव इंसान सोचते हैं। सिंस मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे अराउंड ऑप्टिमिस्टिक पीपल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहना चाहिए, तो यहाँ भी ये लिखा है कि ज्यादातर लोगों को ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यू विल बी एबल टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर पर्सनैलिटी। आप ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे जो आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो कैसे लोगों के साथ रहना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जरूर आएगा। तो क्या आप ऐसा करते हैं? इफ यस देन राइट हाउ। नेक्स्ट सिक्स वन इज बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। दिस रिलेट्स टू हाउ मच यू रीड एंड नो। अब ये क्या है, ये बताता है कन्वर्सेशन हम कितना ज्यादा करते हैं। कन्वर्सेशन करने का क्या तरीका है, ये बताता है कि कितना हम रीड करते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कितनी इंफॉर्मेशन है। वंस यू हैव मच टू कंट्रीब्यूट, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पे ज्यादा बोलने को है, लर्न हाउ टू टॉक अबाउट इट विद अदर्स। तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या सीखना है, आपको लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को कैसे बांटना है, ये सीखना है। नो वन कैन रीड अबाउट और नो एवरीथिंग, सो इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम अदर्स व्हाट वी डोंट नो। तो हर इंसान हर चीज हमेशा नहीं सीख सकता, हमेशा रीड करके नहीं सीख सकता, तो क्या सीखता है, वो दूसरे लोगों से ये चीजें सीखता है। तो जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा,
हम उस पर्सन के दिल की बात नहीं समझ सकते, ना ही हम अपनी बात उसे समझा सकते हैं। तो क्या आप एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट हो? क्या आप कन्वर्सेशन में अच्छे हो दूसरे लोगों के साथ? इफ यस, देन राइट हाउ। नेक्स्ट इज बी अ गुड लिसनर। तो आपको कन्वर्सेशनलिस्ट तो होना ही है, साथ में आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। डेवलप द स्किल ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर। आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है अच्छा लिसनर बनने की। देयर इज नथिंग मोर अपीलिंग देन हैविंग समवन लिसन टू योर इंटेंट, मेकिंग यू फील एज इफ यू वर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर हमें एक अच्छे लिसनर की जो काबिलियत है वो डेवलप करनी है। किसी को भी सुनना ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वो पर्सन, अगर आपने किसी की बात सुनी तो वो पर्सन बहुत ज्यादा खुश होता है कि कोई है इस दुनिया में जो मेरी बात को सुन रहा है, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और इससे क्या होगा, आप उस पर्सन को और भी ज्यादा स्पेशल फील करवा रहे हो एंड उस पर्सन को लगता है कि आप ही वो इंसान हो इस दुनिया में जो उसको अच्छे से समझ सकते हो। सो हमें क्या बनना है, एक अच्छा लिसनर बनना है। अगर आप हैं देन राइट हाउ। नेक्स्ट इज बी फन लविंग एंड सी द ह्यूमरस साइड ऑफ लाइफ। फन लविंग बने और लाइफ के अच्छे अच्छे पार्ट्स पे ध्यान दे। एवरीवन एंजॉयज द कंपनी ऑफ समवन हु मेक्स हिम और हर लाफ और स्माइल। हर किसी को ऐसे पर्सन की कंपनी अच्छी लगती है जो उसे हमेशा क्या करता है, हंसाता है या स्माइल कराता है। सो लुक फॉर द ह्यूमरस क्वर्की साइड इन अ सिचुएशन, देयर ऑलवेज इज वन। तो हमें क्या करना है, किसी भी सिचुएशन को एक अच्छे से टैकल करना है, उसके अंदर जो ह्यूमरस पार्ट है उसे निकालना है एंड सिचुएशन को जॉली बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं देन राइट हाउ। हैव अ फॉन्डनेस फॉर पीपल। इट इज इनएविटेबल दैट पीपल हु डिसलाइक अदर्स विल बी डिसलाइक। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग दूसरों को पसंद नहीं करते उन्हें भी लोग पसंद ना करें। ट्रीट एवरीवन यू मीट एज इफ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड। किसी से भी अगर आप मिल रहे हैं तो उससे ऐसे मिले कि उस पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। दे विल गिव यू देयर लव, देयर रिस्पेक्ट एंड देयर बिजनेसेस। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, हमें अपना जो भी रिस्पेक्ट है, अपना जो भी लव है और अपना जो भी टाइम वगैरह सब हमें दे देंगे। अगर आपने किसी के साथ ऐसे बिहेव किया कि वही इंसान मेरे लिए दुनिया में सब कुछ है, और तो ऐसे में क्या होगा, वो पर्सन जिसके साथ हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो हमारे को अपना एक स्पेशल फ्रेंड समझेगा और वो अपनी सारी जो प्यार रिस्पेक्ट इन सब को हमारे साथ शेयर करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट हाउ डू यू डू दिस।